जोगी जी मेरे नेता थे, जोगी जी को मैं मानता था, जोगी जी कांग्रेस में थे तब भी मैं उनके साथ था, जोगी जी के प्रति मेरे को विश्वास था, तो जोगी जी पार्टी छोड़े तो मैंने पार्टी छोड़ा। मैं श्री मोदी जी से प्रभावित हूँ, कुछ लायक समझती हूँ मुझे, तो मैं जरूर चुनाव लड़ना चाहूंगा। आज किसान नेता योगेश तिवारी ने भाजपा का दामन थामा है। योगेश तिवारी कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं, तो वहीं ब्रिजमोहन के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। आज उन्होंने भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ डॉक्टर रमन सिंह और जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उनके मौजूदगी में भाजपा प्रवेश किया है। और उन हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं योगेश तिवारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आगे की क्या है रणनीति और किस तरह से वो इतने दिनों तक राजनीति से थोड़ा सा गैप रखा था, आज वो फिर वो गैप भरपाई करने के लिए किस तरह की रणनीति रहेगी और आगे का वो राजनीति को लेकर क्या है उनका प्लान। तो आज आप आपने भाजपा ज्वाइन किया है, किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी आपकी और चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? मैंने भारतीय जनता पार्टी का मैंने सदस्यता ग्रहण किया और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो माननीय नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री, उस पार्टी से ऐसे पार्टी में मुझे जुड़ने का अवसर मिला। तो मैं आज सदस्यता ग्रहण किया हूँ और मैं किसान नेता के रूप में पिछले 7 साल से 8 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। बेमेतरा विधानसभा में मैं लगातार वहाँ संपर्क में हूँ, क्योंकि मेरी मातृभूमि है, वह उस माटी में मैंने जन्म लिया है, तो निरंतर मैं किसान की आवाज़ में बुलंद कर रहा हूँ। जिस वक्त जोगी सरकार में थे, कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में था, आप युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल चुके थे और ब्रिजमोहन जो कि एक मजबूत उम्मीदवार हैं भाजपा के, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे, उसके बाद आपको हालांकि हार का सामना करना पड़ा था, फिर जोगी जी ने अलग पार्टी बनाई, फिर आपने पार्टी बदला, फिर आज एक नए चिन्ह के साथ आप राजनीति शुरू कर रहे हैं, किस तरह के सफ़र रहा? मेरा जो सफर रहा, जोगी जी मेरे नेता थे, जोगी जी को मैं मानता था, जोगी जी कांग्रेस में थे तब भी मैं उनके साथ था, जोगी जी के प्रति मेरे को विश्वास था, तो जोगी जी पार्टी छोड़े तो मैंने पार्टी छोड़ा और मैं जनता कांग्रेस से मैंने बेमेतरा से मैंने चुनाव भी लड़ा और मेरी स्थिति भी अच्छी रही और इसलिए मैं जोगी जी के मार्गदर्शन में चलते हुए मैंने वहाँ बहुत लोगों की सेवा किया। अब मुझे लगा कि जो मेरे पिताजी की भी अंतिम इच्छा थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ूँ, उसके विचारधारा से जुड़ूँ, इसलिए मैं आज उनके पुण्यतिथि, आज मेरे पिताजी की 7 तारीख, तो मैं आज इस विचारधारा से मैंने जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं आगे अपने जीवन का सफर में तय करना चाहता। जैसा कि आपने विचारधारा की बात की, आप एक कांग्रेस में बड़े पद तक पहुंचे थे और कांग्रेस की विचारधारा और भाजपा की विचारधारा एक दोनों पूर्व और पश्चिम की धुरी माने जाते हैं, तो अचानक से जो विचार है वो भाजपा से कैसे मिल गया, आपने कांग्रेस में क्यों नहीं सोचा? मैं श्री मोदी जी से प्रभावित हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, आज हमारे पूर्वजों ने सपना देखा करते थे कि राम मंदिर बने, आज उन्होंने राम मंदिर बनाकर दिखाया, धारा 370 उन्होंने हटा के जो कश्मीर में जो उन्होंने काम किया, देश में जो अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए जो योजना लागू कर रहे हैं, चाहे जल मिशन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति के साथ मुझे जुड़ना चाहता था और मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैंने ऐसे विचारधारा को चुना जो गरीब से गरीब लोगों के बारे में सोचती है। क्या बातें हुई ज्वाइनिंग से पहले, किस तरह की प्लानिंग हुई चुनाव को लेकर भी और कितने समर्थकों के साथ आपने आज भाजपा प्रवेश किया है? मेरी किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई, मैं कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश किया है और केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मंडाविया जी और डॉक्टर रमन सिंह सब लोग आज उपस्थित हुए, मुझे आशीर्वाद दिए हैं, मैं कार्यकर्ता ग्रुप में मैं काम करना चाह रहा हूं, बाकी उनका जो आदेश होगा उनका मैं पालन करूंगा। बेमेतरा से आप चुनाव लड़ चुके हैं और बेमेतरा से तैयारी भी आपकी, तो अभी क्या डिमांड रहेगी बेमेतरा को लेकर? नहीं, अगर पार्टी उस लायक समझती मुझे तो मैं जरूर चुनाव लड़ना चाहूंगा, अन्यथा मैं कार्यकर्ता ग्रुप में मैं काम करना चाहूंगा। तो ये थे योगेश तिवारी जो कि सुर्खियों में आए थे जब ये युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद जो ब्रिजमोहन अग्रवाल थे उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था। आज योगेश तिवारी अपने करीब 20,000 समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन कर लिया, आने वाले दिनों में देखना होगा कि इनकी जो दावेदारी है बेमेतरा से उस पर पार्टी किस तरह का निर्णय लेती है। अजय सोनी, छत्तीसगढ़ तक, रायपुर।